हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है जिन्हीं के हो गए एग्जाम्स खत्म, और आज मैं जब घर की क्लीनिंग कर रही थी ना, मुझे जगह जगह मिली जिन्हीं की बुक्स और नोट्स, उसमें सारा सामान इधर उधर रखा हुआ है। मतलब क्लीनिंग मैं करूं और सारा सामान उसका मैं उठाऊं, सारे बच्चे यही करते हैं, तो आज मैं करने जा रही हूं उसकी सरप्राइज चेकिंग। तो चलो देखते हैं दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, और आज मैं उनकी क्लास लगाने वाली हूं, क्योंकि मेरे साथ रहना है तो सिस्टम में रहना पड़ेगा। तो आप फ्री हो, है ना, कोई काम नहीं है। और मैडम आपके तो एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी क्या ब्रेक लिया हुआ आपने? टीवी पे क्या देख रहे हो? भूल भुलैया भैया, कितनी बार ये भूतों वाली फिल्म देखोगे तुम? अच्छा, जिन्नी के पास तो फ्रेंड्स कोई काम है नहीं, चलो आज मैं ये काम कर लेती हूँ। मतलब ये आज मैं जिन्नी की सरप्राइज चेक करने वाली हूँ, जिन्नी की ड्रॉर्स चेक करने वाली हूँ कि उसका क्या हाल है। मैडम ये एक कमरे में से निकली है, जरा इधर देखोगी? इधर देखो मम्मी की साइड, ये जो पेपर्स है अलग अलग जगह से मिले आपके, ये देखोगे। और ये जो बुक है ना, ये भी आपकी इस वाले रूम में से मिली है। तो मम्मी तो पागल है जो तुम्हारी सारी बुक्स कलेक्ट करती रहे। मम्मी देखो पढ़ाई इतना करते हैं तो बुक्स इधर उधर हो ही जाती है। लेकिन एग्जाम्स खत्म होने के बाद आपको बुक्स को एक जगह भी तो रखना चाहिए, ताकि जो नीडी पर्सन है उनको हम आपका सारा मटेरियल दे सके। तो अब आज मैं इसकी सारी बुक्स कॉपीज नोट सब चेक करने वाली हूँ। आ जाओ जरा मेरे साथ, देखते हैं इसकी ड्रॉर में क्या क्या खजाना निकलने वाला है। जरा आप भी आ जाओ दीदी, मैं आपके घर समझ सकती। हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे एग्जाम्स खत्म होने दे, तेरी भी चेकिंग होएगी। चल जरा, कौन सी ड्रॉर्स में आपकी बुक्स कॉपी जरा निकाली थी? हटो जरा, साइड हो जाओ, मैं खोलूंगी। हटो, आज मैं फ्रेंड्स को भी दिखाऊंगी। कितनी सुंदर आपकी टेंटना हुई पड़ी है। जरा एक एक करके अपनी बुक्स जरा साइड में करो, मैं भी देखूं आज आपने क्या क्या भर रखा है। जरा निकालते जाओ। मैं भी निकाल रही हूँ मम्मी। हाँ हाँ, तू तो पहले ही निकालेगी ना। अरे मम्मा लिसन, आप एक काम करो, अभी ना इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करो। सुनो मेरी पूरी बात सुनो। अच्छा, मैं पूरी अलमारी एक बार संभाल। अच्छा, फिर मैं तेरा ड्रॉर टूर कटूर करूँ, है ना? मम्मी को बाल को सब्सक्राइब अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअल वीडियो बनाऊंगी। ओ भाई साहब, ओ भैया, दो दो चीज निकली है, मतलब ये निकले हैं नेल्स, जिन्हें कॉपी किताब के ड्रॉअर में मैं बताती हूँ ना, मेरी वाली नेल्स दे दी तो इसलिए मैंने छुपाने के चक्कर में आ रखा। अच्छा, और इसकी बुक किसने छुपाई है यहाँ पे? ये मैं कब से ढूंढ रही हूँ अपनी बुक। मतलब हिंदी का एग्जाम हो गया और मैं कह रही हूँ हिंदी की बुक तेरी गई काम, मुझे मिल नहीं रही है। मैडम मुझे पोम का रेसिटेशन देना है, पोम इसमें बताओ, पोम का रेसिटेशन देना, बुक मिल नहीं रही थी, मैं तीन दिन से ढूंढ रही थी बुक इसकी। मैं बना मुझे पढ़ने आ रही तो भूल चूक में मैंने बेटा इसमें ना नाम भी लिखा हुआ है, तो भूल चूक वाली जय थर्ड भी थर्ड भी में आज निकल में है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलती से हो गया। अच्छा चलो चलो, कोई बात नहीं, इसके अंदर पहन भैया, अभी तो बहुत बहुत सामान निकलेगा, जरा सामान निकाल दो। ओ भाई साहब, ये बुक के ड्रॉअर में आपका कैनवस क्या कर रहा है ये, और देखो क्या हालत हो रही है। फ्रेंड्स ये जो हमने बॉम्बे से लाया था अभी तक है ये, और अभी यूज भी नहीं किया। फ्रेंड्स और मुझे एक्चुअल में इसे याद भी नहीं होगा, ये नहीं याद होगा। या इसकी चोरी पकड़ी गई और फिर किसी दिन मेरे ऊपर बरसती, मम्मी मेरा कैनवस नहीं मिल रहा, मम्मी मेरा कैनवस नहीं मिल रहा। कैसे करती है, करके दिखाइए अपने फ्रेंड्स को, कैसे करती है, कैसे करती है, जल्दी से। कब से नहीं, ये बहुत दिन हो गए लाया। बेटा आप बहुत उछल रही हो, जरा बेटा तू तो इधर, आप जरा इधर, तुम इधर हो जाओ जरा। और ये क्या है, ये पेपर, क्वेश्चन पेपर ऐसे रखते हैं किसी बच्चे के काम आ जाएंगे, जो 8th क्लास में बच्चे होंगे ना फ्रेंड्स, इसके पास इतना लॉट है 8th का, 8th नहीं सॉरी 9th का, इतना लॉट है मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि वो किसी के भी काम आ सकता है। मतलब मैं भी चाहती हूँ जिन्हें की इतनी सारे सुंदर सुंदर नोट्स है वो ऐसे बर्बाद ना जाए, ये मैडम जी ने ऐसे ही बर्बादी की हालत में उनको छोड़ा हुआ है। ये देखो वर्ड सर्च फ्रेंड्स, ये देखो सुडोकू मैडम करती है, और ये देखो वर्ड सर्च इसमें रखी हुई है जिन्नी की, ये दो और वर्ड सर्च, दो और वर्ड सर्च,
मतलब ध्वनि को कितना मजा आ रहा है जिन्नी की ड्रॉर चेक करने में। ये देखो फ्रेंड्स, जिन्नी ने तो पूरी कंप्लीट कर रखी है। फ्रेंड्स 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 मतलब ड्रॉर में ऐसी ही ये फैले हुए हैं। फ्रेंड्स देख रहे हो, मेरा मजा आ रहा है। फ्रेंड्स देख रहे हो जरा इस मैडम को, देख रहे हो आप जरा इस मैडम को। अगली बारी इसकी है और तू चेक करेगी इसकी, उसके बाद वो वीडियो बनाएगी। उछल उछल के ये ऐसे उछल उछल के चेक करेगी, पर अभी हम ऐसे उछल उछल के ना जिंदगी चेक करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है। जो जो मेरे साथ है ना वो मुझे कमेंट गई। फ्रेंड्स आज बता दिया, ये ना इंसाफी नहीं है, ये फेयर चीज हो रही है, क्योंकि मम्मी की हेल्प करनी बहुत जरूरी है। ये मम्मी का काम नहीं है जो मम्मी जगह जगह से उठाती घूम रही है, ये इनका खुद का काम है। अब तू ना शांत बैठ जा, जरा छुटक दे यहाँ बैठ जा। फ्रेंड्स और ये देखो फ्रेंड्स न्यूज़पेपर, ये देखो मतलब ऐसे अपने ड्रॉर्स। ठीक है एग्जाम टाइम था, हमें भी पता है बहुत प्रेशर में थे आप, उस टाइम पे ऐसे ही रखे जा रहे थे। बट एग्जाम्स खत्म होने के बाद सब बच्चों की फर्स्ट ड्यूटी यही बनती है कि वो मम्मी की हेल्प करें और अपना सारा सामान अच्छे से रखें। ठीक है तो आज मैं इसी काम पे लगी हुई। क्या एक सेकेंड, ये भी चेक होगी साइड हो जरा इसकी भी। ये देखो क्या फ्रेंड्स, मतलब जिन्नी ये क्या है, ये क्या हरकत है ये? अरे मम्मी होता है ना जैसे आप रबर बैंड हो गए बुक्स के नीचे में जा रही हूं। अच्छा अच्छा निकालो, चलो अब सारा सामान निकालो जरा, मैं 5 मिनट के लिए विश्राम अवस्था में जा रही हूँ। निकालो जरा ये, निकाल के यहाँ लेकर आओ, ताकि वो कुछ छुपा लेगी। मैं बैठती ही नहीं, ये कुछ ना कुछ छुपा लेगी। कुछ नहीं मम्मी, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। ये देखो फ्रेंड्स इसकी आकाश की सारी बुक्स है, ये देखो कितनी सारी फ्रेंड्स। ये मैप चल रही है, मैप ये देखो। पियानो क्लासेस लगवाई थी और जिन्नी बहुत अच्छा पियानो प्ले करती थी क्या करती है और एक सारा दिन एक गाना गाती रहती थी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी,
जिनवानी लिखा हुआ है, ये जिनी के ताऊ जी ने इसे गिफ्ट की थी। फ्रेंड्स दिखाना जरा कैमरा हमारा उधर घुसा के दिखाया जाए जरा। ये देखो जरा निकाला जाएगा वहां से सामान। आप तो रहने दो, आप इधर आ जाओ, आप घुस के निकालो जरा। ये देखो मतलब एग्जाम्स की खुशी देखो कि एग्जाम्स खत्म हो गए तो अब हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना देना है। अरे भैया तुमने पूरे साल इतनी मेहनत करके, इतनी तरक्की करके, तुमने इतने अच्छे नोट्स बनाए, जो हमारी ध्वनि कभी नहीं बना पाती है, वो हमारी ज्यादा नहीं बोल रही है, जो हमारी ध्वनि कभी नहीं बना पाती है, हमारी जिंदगी बनाती है, लेकिन उन नोट्स की बेटा थोड़ी सी कदर किया करो। बिल्कुल। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मैथ्स का, ठीक है? ये टर्म टू वाला है, ये सारे क्वेश्चन पेपर एक फाइल में लगाना। ये क्या है, ये है तुम्हारा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पेपर, ये भी क्वेश्चन पेपर है और ये भी क्वेश्चन पेपर है। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके सारे एक जगह रखो और एक फाइल में लगाओ। ये देखो फ्रेंड्स, देखो कितने सारे इसके क्वेश्चन पेपर, ये सारे इसके मैथ्स एसएसटी साइंस सबके हैं। ये देखो इंग्लिश है नोटबुक, ये देखो फ्रेंड्स ये इसकी इंग्लिश की नोटबुक है। फ्रेंड्स देखो राइटिंग क्या है लड़की की, जैसे मोती चमकते हैं ना वैसे इसकी कॉपी चमकती है। ये देखो वाओ जिनी कितना सुंदर तूने बनाया है, है और आपने अपनी बुक्स कॉपीज को ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखो फ्रेंड्स फोटो वोटो सब लगा रखी है, मतलब इतनी सुंदर नोटबुक है लड़की की। ये देखो ये देखो ये देखो वाओ अमेजिंग जिनी, गुड गुड गुड। हर जगह से नोट मिला हुआ है, तो नोटबुक एक जगह रखो और अपनी रफ नोटबुक है जो सारी वो एक साइड रखो। ओके चलो जल्दी जल्दी करो। ये क्या है, मैम ने देखो फ्रेंड्स पूरी चेक भी नहीं कर रखी, चेकिंग नहीं हुई तेरी, क्या पता रह गई हो। अच्छा चल अब तो क्या फायदा, क्योंकि लास्ट डेज में आना फंक्शन था। हाँ, क्या फायदा, चलो ये नोटबुक एक साइड रखो। दीदी खुद की खुद चेक कर लेना कोई नहीं। ये भी हिंदी की है। अच्छा ये भी फ्रेंड्स हिंदी की हो सकता है, हिंदी की है नहीं, ये व्याकरण की होगी ना। हाँ अलग अलग बेटा, आप जब बड़ी क्लास में आप आ जाओगे ना तब आपकी भी अलग अलग हो जाएगी। अच्छा ये फिजिक्स की है फ्रेंड्स, ये देखो इसकी फिजिक्स की नोटबुक। मम्मी और प्यार, तो देख रहे हो फ्रेंड्स कितना इसका सारा तामझाम निकल रहा है। और ये देखो मैंने अलग अलग इसके सारे सेट बना के रख दिए हैं। ये देखो ये है इसकी स्कूल की सारी बुक्स, ये है इसकी आकाश वाली बुक्स, ये है स्कूल की नोट्स बुक, ये है आकाश वाले पेपर, वो है इसके नॉर्मल स्कूल वाले सारे पेपर्स, और ये है इसकी कॉपीज, और ये सारी नोटबुक वर्क देखो कितना अच्छा करा हुआ है। फ्रेंड्स ये देखो मेरे को ज्योग्राफी का इसका मैप इतना अच्छा लगता है वाला, कितना सुंदर इसने मैप बनाया हुआ है, एकदम कलरफुल वाला। ये देखो कितना सुंदर है, मतलब मजा आ जाता है एकदम ना। ये देखो, और मैडम ये आप क्या करने में लगी हुई हो, जिन्हें तेरी डायरी खराब कर दी, जिन्हें तेरी डायरी खराब हो गई, डायरी है कॉपी है जो भी है। तेरे को दे दे, यूज नहीं करती जिन्नी, जो आप सामान यूज नहीं करते अपनी छोटी बहन को दे दो चुपचाप से। बेटा मैं ये बुक्स भी नाइन्थ की यूज नहीं करूंगी, तू ये भी ले ले। बेटा मैं नाइन्थ तक ये संभाल के नहीं रखने वाली, मैं तो जो एट्थ का बच्चा नाइन्थ में जाएगा मैं उसको दे दूंगी, उसके काम तो आएगा कम से कम। तो जिन्नी अब एक कार्टन लेकर आओ, सारे अलग 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 डिपार्टमेंट में रखो, तो कितना मजा आ रहा है ना बुक्स करने में। और ये देखो इसे ये करने में मजा आ रहा है, ये ध्वनि कितनी गलत बात है, ऐसे वेस्टेज नहीं करते। मम्मी इससे ना उधर, ओ भाई साहब अब इसका पेंसिल पाउच भी खोलते हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें वैसे कुछ फालतू का सामान नहीं है, बच्ची पढ़ने वाली है हमारी। 1 2 3 4 पेन है, स्केल है, कंपास है, ये डी है, और शार्पनर है, और इरेजर है, और कुछ नहीं है, और कुछ नथिंग। तो जिन्हें आपको कैसा लगा ये सरप्राइज, अपना जो ये बदला चेकिंग हुई है, ड्रॉर्स की चेकिंग हुई है, मजा आया, ठीक है सब संभाल के। बट थोड़ा अगर मम्मी मेरे को इन्फॉर्म कर देती ना, तो थोड़ा ये संभाल के रख, मतलब थोड़ा मतलब लिप बाम उसमें से निकाल
निकाल लेती और ये वाले जो नेल्स है ना ये निकाल के रख लेती और जैसे वो लिप बाम छुपाई थी वो छुपा लेती और जो ये क्रंची है क्रंची बोलते हैं स्क्रंची स्क्रंची भाई मेरे मुंह से तो क्रंची क्रंची निकलता रहता है ये स्क्रंची है ये मैडम जी जरा बालों में लगा लेती जो मैडम मम्मी को नहीं पता लगता है ना तो बहुत मजा आया तो नेक्स्ट टाइम फिर से इसकी कोई ना कोई चेकिंग करूंगी बट इसे बताऊंगी नहीं हाँ ठीक है दर्द हो रहा था तो मैंने उसमें तेल डाल दिया yes. तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये सरप्राइज बुक्स की चेकिंग वाला वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और हाँ अपनी मम्मी को बिल्कुल तंग मत करना एग्जाम खत्म होते ही अपना सारा सामान निकालना अच्छे से सेट करना देखो एग्जाम्पल आपके सामने अच्छे से ऐसे ही सेट करना उनको एक कार्टन में रखना और नीडी को सेट मत करना नीडी बच्चों की हेल्प करना जिनको बुक्स चाहिए जिनको नोट्स चाहिए मतलब अलग अलग देना जिन बच्चों को कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है उनको आप देकर आना अपने हाथों से आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं जिनी को भी लेके जाऊंगी और बुक्स इसकी डिस्ट्रीब्यूट करा कर हाँ तुम भी चलना और एग्जाम्स के बाद हाँ इसके एग्जाम्स के बाद अब इसका भी लॉट निकलेगा तो मैं दोनों का एक साथ करा दूंगी कुछ और प्लान करती हूँ चेक करने का जिनी का फ्रेंड्स कमेंट करके बता